हम इस लेक्चर में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, यानी इस तरह की इक्वेशन होगी डी की घात एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस ए वन डी की घात एन माइनस वाई डी एक्स एन की घात डी एक्स की घात एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू क्यू, जहां पर ये ए वन ए टू ए थ्री ए एन जो है ये कॉन्स्टेंट्स हैं और ये जो क्यू है ये एक्स का फलन होगा। तो इस तरह की इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हम डी बाई डी एक्स को डी से ऑपरेट करेंगे, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर कहलाता है। तो डी को अगर हम डिफरेंशियल ऑपरेटर कहें तो वन अपॉन डी डिफरेंशिएशन का उल्टा रिवर्स हो गया, तो डी माइनस वन यानी इनवर्स डिफरेंशियल ऑपरेटर कहलाता है। तो डी मीन्स किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो तो वन अपॉन डी मीन्स उस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर देंगे। वन अपॉन डी एक बार इंटीग्रेट कर दो, वन अपॉन डी स्क्वायर है तो उसको दो बार इंटीग्रेट कर दो। तो इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, इन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हम जो निकालें तो वो होगा जनरल सॉल्यूशन, एक तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा, यानी पूरक फलन प्लस विशिष्ट फलन। ये जो पूरक फलन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी सी एफ वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है इस इक्वेशन से ऑपरेट होगा, और ये जो पी आई है पर्टिकुलर इंटीग्रल है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड का जो फंक्शन होगा उससे ऑपरेट होगा। तो सी एफ लेफ्ट हैंड साइड से और पी आई राइट हैंड साइड यानी क्यू से ऑपरेट होगा। तो इसके लिए हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को उस फॉर्म में जनरेट करने के लिए कुछ रूल बना रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि सबसे पहले समीकरण को डिफरेंशियल ऑपरेटर से ऑपरेट करते हैं, यानी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी इसको डी से ऑपरेट कर दो। उसके बाद में हम उसकी सहायक समीकरण बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए डी की जगह तो हम एम लिख देंगे, वाई को रिमूव कर देंगे और जो राइट हैंड साइड है उसको जीरो के इक्वल लिख देंगे। अब जो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी उसके हम गुणनखंड कर लेंगे, यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन किसमें बनी थी एम में, तो एम के डिफरेंट डिफरेंट मान निकाल लेंगे और एम के जो डिफरेंट डिफरेंट मान होंगे उनके करस्पॉन्डिंग सी एफ लिखने के कुछ रूल होंगे, क्योंकि अलग अलग गुणनखंडों में एम के अलग अलग मान होंगे। तो यहां हम सी एफ ज्ञात करने के रूल, तो हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी एम में, एम के जो गुणनखंड होंगे वो गुणनखंड कितने तरह के होंगे, वो लीनियर हो सकते हैं और रिपीट हो सकते हैं, वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो सकते हैं यानी इमेजिनरी हो सकते हैं और रिपीटेड भी हो सकते हैं नॉन रिपीटेड। तो चार केस बन गए। सबसे पहला के उस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने बनाई, ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो गुणनखंड बने उन गुणनखंडों से एम के जो मान निकलेंगे वो मान क्या हो, अपने पास में रियल हो और डिफरेंट हो। दूसरा, हमारे पास में जो वैल्यू है एम की वो रियल तो हो मगर रिपीट हो रही हो। और तीसरी फॉर्म हमारी है कि जब डिफरेंट उसके इक्वेशन के रूट्स हो वो क्या हो, इमेजिनरी हो और डिफरेंट हो। और चौथे, इमेजिनरी हो और रिपीट हो रहे हो। तो अब हम एक एक को लेते हैं। सबसे पहले, रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर रियल एंड डिफरेंट। सपोज अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री एम के तीन मान आ गए तो हम उसका करस्पॉन्डिंग सी एफ लिखेंगे। एक कांस्टेंट ले लेंगे ई की पावर अल्फा, जो रूट आया था वो अल्फा वन एक्स प्लस सी टू ई की पावर अल्फा टू एक्स प्लस सी थ्री ई की पावर अल्फा थ्री एक्स। अब सेकेंड टाइप के गुणनखंड हमारे पास हो सकते हैं, रूट्स जो हैं वो रियल तो हैं मगर रिपीट हो रहे हैं। जैसे अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री तीन मान निकले, तीनों ही समान है। जैसे मान आ गया एम का दो दो दो, तो रूट्स क्या हो गए, रिपीट हो गए, रियल हो गए। तो हम सी एफ लिखेंगे सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर और ई की पावर अल्फा एक्स। इन तीनों को हमने एक ही मान लिया, अल्फा एक ही होगा रिपीट होंगे तो अल्फा एक्स। अब हमारे पास में ऑक्सिलरी इक्वेशन जो बनी थी उसके रूट्स क्या हो गए, इमेजिनरी
और डिफरेंट। इमेजिनरी किस फॉर्म में होते हैं, अल्फा प्लस आयोटा बीटा की फॉर्म में अगर हमारे पास में आ जाए तो हम सॉल्यूशन सी एफ लिखेंगे ई की पावर ये अल्फा, तो ई की पावर अल्फा एक्स, और ब्रैकेट में एक कांस्टेंट ले लेंगे कॉस बीटा, इस आयोटा का जो गुणांक होगा बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स, और चौथे में यही रूट्स अगर दो बार आ जाएं यानी रिपीट हो जाए सेम, तो हम उसी तरीके से सी एफ ई की पावर ये तो अल्फा ले लेंगे अल्फा एक्स, सी वन प्लस सी टू एक्स कोस बीटा एक्स प्लस सी टू प्लस सी थ्री सॉरी सी थ्री प्लस सी फोर एक्स और साइन बीटा एक्स। कॉन्स्टेंट सी वन और सी टू यहां आ चुके तो यहां लिख दें सी थ्री और सी फोर साइन बीटा एक्स। अब हम एक एग्जाम्पल लेके इसको देखते हैं। देखें ये इक्वेशन थी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव डी वाई बाई डी एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू ई एक्स। सबसे पहले डी से ऑपरेट करें तो डी बाई डी एक्स की जगह कैपिटल डी लिखूं तो डी स्क्वायर प्लस फाइव डी प्लस फोर और वाई कॉमन आ गया ई एक्स। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए इस डी स्क्वायर की जगह डी की जगह तो एम लिख दें तो एम स्क्वायर प्लस फाइव एम प्लस फोर और वाई हटा दें और राइट हैंड साइड जीरो बना दें, तो ये बन गया एम स्क्वायर प्लस फाइव एम प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। इसके गुणनखंड करने के लिए पांच एम के दो टुकड़े किए फोर एम प्लस फोर एम, एम यहां से हमने कॉमन लिया तो एम प्लस फोर, प्लस वन कॉमन लिया तो एम प्लस फोर, एम प्लस फोर और एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एम का मान आ गया माइनस चार और माइनस एक और माइनस चार। ये रूट्स कौन से हो गए, फर्स्ट टाइप के रूट रिपी वो हो गए रियल हो गए और अलग अलग हो गए, तो सॉल्यूशन सी एफ लिखेंगे एक कांस्टेंट बटा एक कांस्टेंट इंटू ई की पावर अल्फा और अल्फा यहां माइनस वन है तो माइनस वन एक्स, प्लस दूसरा कांस्टेंट सी टू और ई की पावर अल्फा टू यहां पर माइनस फोर है तो माइनस फोर एक्स। इस क्वेश्चन में देखो डी स्क्वायर माइनस सेवन डी प्लस ट्वेल्व इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो, यहां इक्वेशन डी से ऑपरेट की हुई है तो डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन बना ले हम, तो डी की जगह एम लिख दें तो एम स्क्वायर माइनस सेवन एम प्लस ट्वेल्व वाई हटा दिया राइट हैंड साइड जीरो बनाते हैं बना हुआ है। इसके गुणनखंड करने के लिए सेवन एम के ऐसे दो टुकड़े करो जिनको जोड़ू तो सेवन एम आए, गुणा करूं तो ट्वेल्व एम स्क्वायर आए, तो एम स्क्वायर माइनस फोर एम माइनस थ्री एम प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। एम कॉमन ले लिया एम माइनस फोर, माइनस थ्री कॉमन ले लिया एम माइनस फोर, तो एम माइनस फोर एम माइनस थ्री दो गुणनखंड हो गए तो एम का मान आ गया तीन और चार, तो वही रूट रियल हो गए और डिफरेंट हो गए, तो सॉल्यूशन सी एफ होगा एक कांस्टेंट ई की पावर थ्री एक्स प्लस सी टू ई की पावर फोर एक्स। क्वेश्चन नंबर थ्री देखो डी स्क्वायर प्लस वन डी माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए एम स्क्वायर प्लस वन एम माइनस वन वाई हटा देंगे राइट हैंड साइड जीरो, तो इसके एम माइनस वन इज इक्वल टू जीरो फैक्टर हो गया और दूसरा एम स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, तो एम इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन और अंडर रूट माइनस वन क्या होता है आयोटा, तो इसको हम लिख सकते हैं जीरो प्लस वन इंटू आयोटा यानी एल्फा प्लस आयोटा बीटा की फॉर्म में लिखने के लिए मैंने इस आयोटा को इस फॉर्म में लिख दिया। तो सी एफ ये रियल है और नॉन रिपीटेड है तो एक कॉन्स्टेंट ई की पावर एल्फा एक्स यानी वन एक्स, प्लस ये इमेजनरी आ गया तो ई की पावर एल्फा यहां पर जीरो है तो जीरो इंटू एक्स, सी वन आना चाहिए सी वन यहां यूज कर चुके तो सी टू कोस बीटा बीटा वन है बीटा एक्स प्लस सी थ्री साइन बीटा और बीटा यहां पर वन है एक्स, तो ये सॉल्यूशन हो गया इसका सी एफ। क्वेश्चन था डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस थ्री डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, तो डी से ऑपरेट कर दो डी क्यूब माइनस थ्री डी प्लस टू इंटू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए डी की जगह एम रख दो एम क्यूब माइनस थ्री एम प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। इसका फैक्टर करने के लिए क्यूबिक इक्वेशन है तो एम क्यूब माइनस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एम माइनस टू एम और प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। एम स्क्वायर कॉमन ले लो तो एम माइनस वन, एम कॉमन ले लो एम माइनस वन, माइनस टू कॉमन ले लिया एम माइनस वन, एम माइनस वन कॉमन लिया तो एम स्क्वायर प्लस एम माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो एम का मान एक तो एक आ गया इससे, और इसके फैक्टर किए हमने वापिस एम स्क्वायर प्लस टू एम माइनस एम माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एम कॉमन ले लो तो एम प्लस टू, माइनस वन कॉमन लिया तो एम प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, एम प्लस टू कॉमन आ रहा है एम माइनस वन,
तो यहां से m का मान एक और यहां से माइनस टू आ गया, तो m का मान एक यहां से एक यहां से, तो m का मान एक एक और माइनस दो, तो ये तो रिपीट हो गया, रियल है, और ये भी रियल तो है मगर नॉन रिपीटेड। तो सी वन e की पावर माइनस टू एक्स ये लिख दिया, प्लस रिपीटेड में क्या था, सेकंड रूल लग गया, सी टू प्लस सी थ्री एक्स और e की पावर एक्स, यहां प्लस एक्स आएगा, वन आएगा ना, तो अल्फा का मान वन है, तो वन एक्स। क्वेश्चन नंबर पांच देखो, डी क्यूब प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए एम क्यूब प्लस वन और वाई हटा दो, राइट हैंड साइड जीरो, इसके फैक्टर किए तो एम प्लस वन और एम स्क्वायर माइनस एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एम इज इक्वल टू माइनस वन, और इसके फैक्टर हो नहीं रहे तो एम की वैल्यू निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए से इसके फैक्टर किए तो एम के ये दो मान आ गए, तो ये अल्फा प्लस आयोटा बीटा की फॉर्म में हो गए और ये रियल हो गया, तो सी वन ई की पावर माइनस एक्स प्लस अल्फा, तो ये रहा, तो ई की पावर अल्फा एक्स आता है, एक कॉन्स्टेंट लेते हैं कोस बीटा बीटा ये रहा बीटा एक्स प्लस सी थ्री साइन बीटा एक्स प्लस, अब इसके लिए अल्फा तो हो गया वन बाई टू तो एक्स बाई टू, और ये कांस्टेंट ले लिया कोस, और बीटा यहां माइनस रूट थ्री बाई टू आ गया, माइनस रूट थ्री बाई टू एक्स, एक कांस्टेंट ले लिया और साइन माइनस रूट थ्री एक्स, इसमें नियम फर्स्ट लग गया और इसमें जो थर्ड और फोर्थ थे रिपीटेड वाले वो लग गया।